इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप से दो स्टेप, सिर्फ दो स्टेप आपको जानना। आप किसी भी कितना भी बड़ा कितना भी पैसा कॉइन दिए और कितना भी परसेंट के दर से और कितना भी दिन का, आप किस तरह से दो स्टेप में आप निकाल सकते हैं, कितना आसान तरीका है। तो आप वीडियो पे बने रहे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं सवाल दिया गया है कि 12,500 रुपया का 8%, 12,000 का 500 रुपया का 8 वर्ष का वार्षिक दर से, मतलब 8% की दर से 12,500 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता होगा, ब्याज का भी ब्याज इसमें लगा जाता है, ठीक है। तो इसी को बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज भी हम बताएंगे। तो आप वीडियो पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह के। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फॉलो कर, सिर्फ दो स्टेप फॉलो करें, आप सबका सवाल आंसर निकल के आ जाएगा। और आपको वीडियो पे बने रहे क्योंकि आपको लास्ट में एक सवाल देंगे, उसको हल करके कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 12,500 का आपको पता होगा 8% पहले निकाल लेना है हमको। 8% का मतलब पता, और परसेंटेज नहीं निकालने जानते, निकालने जानते हैं तो हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। और आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं और आप परसेंटेज यहां पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 8% तो परसेंट का मतलब होता है 100, तो 8% तो 8 का मतलब 100 यहाँ पे हम दे दिए, 100 लिख दिए। अब ये 0 और ये 0 दो 0 खत्म हो गया, तो इसको गुना करेंगे 8 पंचे 40 करें 0 और 12 96 4, यहाँ पे 1000 मेरा निकल के आ चुका है। कैसे कि 8 पंचे 40 करें 0, यहाँ पे 4 बचा और 12 96 96 और 4 100, यहाँ पे देख सकते 1000 मेरा निकल के आ चुका है, 1000 निकल के आ चुका। अब निकालना है क्या निकालना, ये इकला सिर्फ इसका निकला 12,000 8% की दर से। अब निकालना कितना दिन का, ये निकालना कितना दिन का, ठीक है। तो कितना दिन का निकालना है, तो यहाँ पे 2 वर्ष का है, तो स्टेप सिर्फ दो को फॉलो करना है, सिर्फ एक बार ये स्टेप फॉलो करना, एक बार ये बना देना, एक बार ये बना देना और एक बार ये बना, सिर्फ दो स्टेप। 2 वर्ष है तो 1 वर्ष यहाँ, 1 वर्ष यहाँ, 1 वर्ष यहाँ, 1 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष रहेगा तो 3 बार इसको लिखेंगे और 4 वर्ष रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकला मेरा 1000, तो 1000 इसमें लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, ठीक है, और इसमें भी 1000 लिख देंगे। अब क्या करना है कि इसको जो 8% इसका हम निकाल लेंगे, 8% 1000 का निकालेंगे ना, परसेंट ब्याज का भी यहाँ पे ब्याज लग रहा है, तो 8% आपको निकाल लेना है कि 1000 का 8% कितना होगा। तो यहाँ पे 100 आएगा, ये 0 खत्म, तो 80, तो यहाँ पे कितना मेरा आ गया 80 आ गया, 80 आ गया। अब इसको तीनों को जोड़ देना, ये तीनों को जोड़ देना, 1000 1000 2000 2000 मेरा कितना आ गया 80, 2000 मेरा 80 आंसर आ चुका है, 2080 मेरा आंसर आ चुका है। कितना सिंपल तरीका से आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं, स्टेप से, दो स्टेप ट्रिक से। तो अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यहाँ पे देते एक सवाल आपको हल करके देखना है, कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए हम सवाल, एक सवाल लिख देते हैं यहाँ पे, कि आपको सवाल यहाँ पे लिख देते हैं। सवाल रहेगा आपका कि 400 रुपया का 10% के दर से, 400 रुपया का 10% के दर से कितना होगा, 400 रुपया का 10% के दर से कितना होगा। आपको ये आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर क्या करेंगे, इसका पहले निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, फॉलो करेंगे, उसके बाद इसका 10% निकाल देंगे, आंसर निकल के आ चुका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि ब्याज कैसे निकाल, साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीका से। चलिए नेक्स्ट।